Good morning, lovely children. Welcome back to your STEM class. Students, I have uh, received your previous performances on bird feeder, which you performed really well. I loved your bird feeders. You showed your own creativity, and that was the best part of it. Okay, so thank you so much for motivating me also to do better than the last videos. Okay, so today I have. Uh,

लैपटॉप का आपको बटन प्रेस करना है दैट इज ऑल्सो पुश देन इफ यू वॉन्ट टू ओपन द डोर अगेन यू हैव टू पुश और पुल पुश का मतलब होता है धक्का देना एंड पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना ओके सेकेंड इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिजेज फोर्सेज वी हैव लर्न बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रिज कि वो ब्रिजेस जो हैं वो इतना स्ट्रांगली कैसे अपनी जगह पर रहते हैं ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड ब्रिजेस ब्रिजेस कौन बनाता है जो आप पुल देखते हो है ना कितने सारे आपकी सिटी में भी होंगे वन एवर यू गो टू मेट्रोपोलिटन सिटीज तो यू माइट हैव ऑब्जर्वड दैट देर आर बिग ब्रिजेस है ना एंड इट स्टैंड सो स्ट्रॉ इतना ज्यादा स्ट्रोंग उनका मटीरियल यूज होता है है ना बट देर आर सम फोर्सेज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट ओके ये जो फोर्सेज हैं पुश और पुल ब्रिजेस में हमें बैलेंस करना होता है ठीक है तो कौन बनाता है ब्रिजेस इंजीनियर्स ओके इंजीनियर्स क्या बनाते हैं ब्रिजेस नाउ देर आर सिक्स टाइप ऑफ ब्रिजेस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सिक्स टाइप के लेकिन आई विल टीच द ओनली विच आर इन योर सिलेबस ओके फर्स्ट इज़ बीम फर्स्ट वन यू कैन सी बीम में क्या होता है सबसे पहले इट्स अ स्ट्रेट ब्रिज ब्रिज है ना बिल्कुल सीधा है और एबटमेंट्स एबुटमेंट्स क्या होता है जो टावर्स आप देख रहे हो इसको एबटमेंट्स कहते हैं ओके okay? ये टावर्स की मदद से खड़ा रहता है और बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है राइट right, ये जो आप बीम देख रहे हो बीम ब्रिज फर्स्ट वन इट इज बीम ब्रिज और जो टार्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एबटमेंट्स ए बी यू टी एबट एम ई एन टी एस मेंट्स एबटमेंट्स नेक्स्ट इज आर्क आर्क तो आपको शेप से ही समझ आ गया होगा हाफ सर्कल को हम आर्क बोल देते हैं है ना तो इसकी आर्क uh, शेप क्यों हमने बनाई है क्योंकि ये ज़्यादा बर्डन जो है वो होल्ड कर सकता है है ना एन आर्क ब्रिज हैज़ एन आर्क और हाफ सर्कल अंडर अ बीम बीम के नीचे है वो द शेप ऑफ द आर्क हेल्प्स द टॉप ऑफ द ब्रिज टू होल्ड अ लॉट ऑफ वेट वेट बहुत सारा कैरी कर पाते हैं देन थर्ड वन इज ट्रस अभी ट्रस टी से आप याद रखना ट्राइंगल्स ओके लास्टली अ ट्रस्ट ब्रिज इज़ मेडअप ऑफ सम ट्राइंगल्स सम नी ऑल आर ट्राइंगल्स ठीक है उल्टे सीधे लेफ्ट राइट सब जगह पर आप ट्राइंगल्स ही देखोगे देन ट्राइंगल्स आर अ स्ट्रोंग शेप ऑब्वियसली ट्राइंगल्स जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेप है एक सिलेंड्रिकल एंड ट्राइंगल बोथ आर वेरी स्ट्रोंग शेप्स बिकॉज दे डू नॉट बैंड ईजीली बहुत ईजीली बैंड नहीं होते हैं वेन अ फोर्स पुशेज और पुल्स दैम है ना दिस इज वाई ट्रस्ट ब्रिजेस कैन होल्ड ऑफ़ वेट अगेन ट्रस्ट जो है ठीक है एंड द लास्ट वन इज केबल्ड स्टेड ओके ये भी तीन तरह के यूज होते हैं लेकिन द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट वन जो आप देखते हो रेलवे में जो uh, ट्रेन्स को कैरी करने में यूज़ होते हैं देन जो आप हाईवेज देख लेते हो है ना ये सब जो है फर्स्ट थ्री ही कंसिडर करते हैं देन दे मेक सम मोर मॉडिफिकेशन बट द बेस ऑफ द ब्रिजेज़ इज बीम आर्क और ट्रस, ओके नाउ हाउ कैन यू डू दिस एक्टिविटी आप इसको स्टेम का मतलब है वी हैव टू डू सम एक्टिविटी ऑल्सो आप इस एक्टिविटी को किस चीज़ से कर सकते हैं दिस डिपेंड्स ऑन यू

how you working hard and how my engineers are doing in this stem activity okay so best of luck and thank you so much